सल्फोनाइल यह इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। सल्फोनाइल यूरिएस के लिए जरूरी है कि मोर देन थर्टी परसेंट बीटा सेल हो में एटलीस्ट फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिएस में क्लोरप्रोपामाइड और टोलब्यूटामाइड आते हैं और सेकंड जनरेशन में ग्ली पीजाइड ग्ली क्लाजाइड ग्ली और ग्ली में प्राइड आते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरियस बाइंड होते हैं सल्फोनाइल यूरियस रिसेप्टर से यह सल्फोनाइल यूरियस रिसेप्टर कहां है यह एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल में है इस बाइंडिंग से एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाता है तो जनरली यह चैनल पोटेशियम का आउटफ्लो करती थी अब यह चैनल को ब्लॉक कर दिया सल्फोनाइल यूरियस ने तो सेल के अंदर कैल पोटेशियम का आउटफ्लो इनहिबिट होता है और सेल के अंदर पोटेशियम बढ़ने लग जाता है तो पॉजिटिव पो, चार्ज बढ़ता है तो डिपोलराइजेशन होता है इस डिपोलराइजेशन ने फर्दर कैल्शियम चैनल को ओपन कर दिया जिससे सेल के अंदर इनफ्लक्स बढ़ गया कैल्शियम का इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इन बीटा सेल अब ये कैल्शियम डीग्रेन्यूलेशन करता है जो स्टोर ग्रेन्यूल के अंदर जो इंसुलिन है उनका डिग्रेन्युलेशन करता है तो डिग्रेन्युलेशन ऑफ इंसुलिन ग्रेन्यूल जिससे अब बीटा सेल इन ग्रेन्यूल से इंसुलिन को रिलीज कर देती है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोलब्यूटामाइड सोर्टेस्ट एक्टिंग है तो यह लोएस्ट रिस्क करता है हाइपोग्लाइसीमिया का इसी तरह क्लोरप्रोपामाइट लॉन्गेस्ट एक्टिंग है तो यह हाईएस्ट रिस्क करता है हाइपोग्लाइसीमिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टोलब्यूटामाइट और अपन ने बात करी सोटेस्ट एक्ट सोट एक्टिंग है तो लोअर पोटेंसी है प्रोटेन्टर एक्शन है तो ये रिलेटिवली सेफ है एल्डरली पेशेंट में और रीनल डिसीज पेशेंट में सेकेंड जनरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन से अब एडवर्स इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है अब जनरल एडवर्स इफेक्ट जैसे जीआई अपसेट में नोजिया बॉमिटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन यह हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करता है जैसे रेस इचिंग आर्टिकेरिया बेड गेन करते हैं सल्फोनाइल यूरियस कोल क्लोरप्रोपामाइट के लिए स्पेशल साइड इफेक्ट जैसे डाइसल्फ़िराइम लाइक रिएक्शन कोलेस्ट्रेटिस जॉन्डिस और हाइपोनेट्रीमिया क्योंकि यह एडीएच लाइक एक्शन करता है क्लोरप्रोपामाइट। अब यूजेस टाइप टू डायबिटिस मिलाइटिस में यूज किया जाता है प्राइमरली इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सल्फोनाइल यूरियस इफेक्टिव नहीं है जहां अपसलूट इंसुलिन की डेफिशिएंसी है जैसे टाइप वन डायबिटीज मिलाइटस और पोस्ट पेनक्रिएक्टोमी यह ड्रग इंट्रेक्शन शो करता है किन के साथ जैसे सल्फोनामाइट के साथ प्रोप्रेनालोल के साथ रेफाम पेशीन के साथ फिनो बार्बिटोन के साथ और बारफेरिन के साथ सल्फोनाइल यूरियस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस में प्रेगनेंसी में सीबियर लीवर और सीबियर किडनी डिसीज में थैंक यू